आपका बदकही में बहुत बहुत स्वागत है और काफी खुशी हो रही है आपको यहाँ पर देखकर। और आज आई होप कि आपसे काफी कुछ हमें आज सीखने मिलेगा। तो मैं अपने फेसबुक पर जुड़े हुए दर्शकों को आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे उन्हें आसानी होगी समझने के लिए कि कैसे आगे सेशन होगा। थैंक यू, थैंक यू बुलाने के लिए, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी सर। आदित्य पिंगला के लगाकर जी जो हैं वो एक स्क्रीन राइटर हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ही डिड इंजीनियरिंग एंड देन टर्न्ड राइटर, एंड सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। एंड उनकी जो एक शॉर्ट फिल्म है साउंड प्रूफ, वो काफ़ी चर्चित रही और उसने कई सारे अवार्ड जीते, बड़े बड़े अवार्ड जीते। इनफैक्ट इट वॉज एलिजिबल फॉर ऑस्कर टू, आई जस्ट सॉ समवेयर। सो या कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट सर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट सेशन नाउ। थैंक यू, थैंक यू। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट सेशन। या एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर होस्ट टू दिशा साहू। शी वुड बी होस्टिंग द सेशन, आई एम जस्ट द मॉडरेटर इन द सेशन। So, yeah, so Disha Sahu is an educator and a writer as well, and she has been a part of Doodling World since the beginning. And I welcome you, Disha Didi, and you may proceed now. Hi, hi Disha, nice to meet you. Thank you, Arsh. Namaste sir, good afternoon. Hi. So how's you? Acha, aapka awaaz cut gaya. Kaise hain aap? मैं बढ़िया हूँ, मजे में हूँ। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी कि आपका लॉकडाउन कैसा रहा? दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। लॉकडाउन बहुत इंटरेस्टिंग रहा एक्चुअली, बिकॉज़ जो लोग लिख सकते हैं उनको लॉकडाउन की आदत होती है, बट वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ये वर्ल्ड लेवल पे था। इट वाज वेरी सैड, जो आजू बाजू हो रहा था वो बहुत सैड था, लेकिन टाइम मिला खुद के साथ वक्त बिताने को, लिखने को, बाकी चीजें करने को जो हमेशा नहीं करने मिलती है। कुकिंग, बहुत ढेर सारी कुकिंग की, इसमें बहुत मजा आया। हाँ, इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। आदत हो गई थी लॉकडाउन की काफी थोड़े महीनों बाद में जब खुलने लगा तब रेस्टलेस होने लगा कि अरे अब क्या करेंगे, खुल गया तो ये तो अच्छा था। But yeah, but no, it was sad what was happening. So I'm glad कि कम हो रहा है अभी और काम शुरू हो रहा है धीरे-धीरे। आपके लिए जॉब में कुछ डीमेरिट्स लगे कि फिल्म इंडस्ट्रीज में आपके लिए कुछ डीमेरिट्स रहे हो लॉकडाउन के? डीमेरिट्स मतलब काम रुक गया था बेसिकली पूरा। शूटिंग, जब शूटिंग रुकता है तब एक पूरा एक साइकिल होता है फिल्म बनाने का, लिखने से लेके पोस्ट प्रोडक्शन से लेके रिलीज का। एक बार अगर रिलीज आप रोक दो तो पूरा साइकिल रुक जाता है। तो काफी सारा, ढेर सारा बैकलॉग है पिछले साल का फिल्में बनने का। बहुत सारी फिल्में आधी शूट होकर रुक गई थी, कुछ फिल्में शुरू ही नहीं हुई थी, कुछ फिल्मों का पोस्ट चालू था। तो अभी धीरे धीरे जैसे खुल रहा है और शूट शुरू हो रहा है तो वो बैकलॉग, पहले पिछले साल का बैकलॉग पूरा होगा, फिर अभी नए चीजें शुरू होगी। तो एक बेसिकली हर एक फील्ड जैसा ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। एक साल मोर और लेस लॉस हुआ कि अगर तो आप रिलीज ही रोक दो तो फिर फिल्में बनना भी बंद हो जाता है। तो अभी रिलीज जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे रिलीज शुरू हुआ है फिर से, तो अभी फिर से शूटिंग शुरू हुआ है। जैसे लॉकडाउन रिलीज हो रहा है, लूज हो रहा है, वैसे वैसे शूटिंग शुरू हो रहा है। तो अभी शुरू हो रहा है फिर से स्लोली, होपफुली थर्ड वेव नहीं आएगा तो और जोर से शूटिंग शुरू होगा। यस सर, सर वी वुड लाइक टू नो योर जर्नी। आपने फिल्म लाइन में जाने का कैसे सोचा और आपकी जर्नी कैसी रही फिल्म लाइन में आने के लिए? जर्नी तो बहुत लंबी हो गई अभी। बेसिकली मैं जब कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था तो तभी से इंटरेस्ट आ रहा था मुझे, तो मैंने थिएटर करना शुरू किया कॉलेज में। तो मैं नाटक लिखता, पहले बैक स्टेज करता था, फिर लिखता था, डायरेक्ट करता था। तो कॉलेज, इंटर कॉलेज, इंट्रा कॉलेज एक्टिविटीज में जो भी है थिएटर में काफी सारा समय बिताया उसके बाद। लेकिन मुझे ये पता था, थिएटर करते करते मुझे पता था कि मुझे थिएटर से ज्यादा फिल्मों में रुचि है, क्योंकि तब एक वो भी दौर था जब इंटरनेट जस्ट आ रहा था, तो बहुत सारे इंटरनेशनल सिनेमा जो है देखने को मिल रहा था। और मैं पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो पुणे में बहुत सारा कल्चर है फिल्मों का, क्योंकि FTII भी है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स है,
तो मैंने नेशनल फिल्म आर्काइव्स का मेंबरशिप लिया था, तो दो तीन साल में नेशनल फिल्म आर्काइव्स ओनर था और ढेर सारी फिल्में देखी मैंने, ढेर सारी फिल्में। तो मुझे तब इरादा पक्का हो गया था कि करना तो यही है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मुंबई आया, पर मैंने पहले कैमरा सीखा और कैमरा डिपार्टमेंट में काम किया काफी दिन टेक्निकल, और फिर धीरे धीरे अभी जो मेरा फर्स्ट लव है राइटिंग डायरेक्टिंग, तो कई साल से अभी अलग अलग कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, थिएटर भी कर रहा हूँ। हाँ, तो ये लंबी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है, पर अभी हाँ अभी कुछ कुछ अभी फीचर बनाने का इरादा है। सर, फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपके लिए? फैमिली सपोर्ट अच्छा था, लकीली आई वुड से। उनको शॉक लगा जब पहली बार मैंने बोला था कि इंजीनियरिंग छोड़ के ये करना है, जो ऑब्वियसली जो हर एक पेरेंट को तो लगेगा, क्योंकि उनको पता नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं हूँ औरंगाबाद का और पुणे में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उन्हें आइडिया नहीं था कि मैंने मन में शिफ्ट कर लिया है। तो जब बोला था उनको शॉक था, पर धीरे धीरे उनको भी आदत हो गई। सपोर्ट तो काफी था, अभी इतने साल से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लकी हूँ उस मामले में, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। सर, जो अभी नए लोग स्क्रीन राइटिंग लिखना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ टिप्स दें या फिर कुछ सजेस्ट करें कि वो कैसे लिखना शुरू करें? तो एक तो लिखने का क्या है कि हर एक की जर्नी अलग होती है, तो मैं वो बोलूंगा जो मैंने किया, अगर किसी को उसका फायदा हो तो अच्छा है। एक तो राइटिंग का ये एडवांटेज है कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, तुम अकेले बैठ के कर सकते हो। तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज लिखते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। उससे मतलब उससे बेटर इंप्रूवमेंट के लिए कोई साधन ही नहीं है, तुम करते रहो और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, ना तुम्हें पैसे की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, तो तुम करते रह सकते हो। तो एक तो मैं बोल रहा हूँ लिखते रहो, दूसरा पढ़ते रहो। बुक्स तो है ही, बुक्स तो पढ़ना है ही, पुराने नए अलग अलग किस्म के बुक्स पढ़ो। तीसरा एक चीज मैं करता था कॉलेज में कि बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पे तुमको स्क्रिप्ट मिलती है पढ़ने को, तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है, क्योंकि राइटिंग में भी अलग अलग है, स्क्रिप्ट राइटिंग इज ऑल्सो पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्राफ्ट, यू नो, तो स्क्रिप्ट पढ़ो बहुत सारे, आपके हिसाब से पढ़ो, ऐसे नहीं कि इसी की स्क्रिप्ट पढ़ो या यही टाइप की स्क्रिप्ट पढ़ो, तुम चूज करो कि तुम्हें कौन से टाइप की फिल्में पसंद है, उसकी स्क्रिप्ट जाओ ऑनलाइन डाउनलोड करो और पढ़ो, ताकि फिर एक चीज क्या होती है कि तुम्हें फिर पता चलता है कि ये फिल्म बनने के लिए इस किस्म की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो मैं एक चीज बहुत करता था कॉलेज में कि स्क्रिप्ट डाउनलोड करता था, बहुत सारी ढेर सारी स्क्रिप्ट डाउनलोड करता था, और एक बार ऐसे करता था कि पहले स्क्रिप्ट पढ़ता था और फिर फिल्म देखता था, और दूसरी चीज नहीं तो करता था, पहले फिल्म देखता था और फिर उसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ता था। तो एक पेपर टू स्क्रीन जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बिकॉज देयर टू डिफरेंट मीडियम्स, यू राइट ऑन पेपर एंड इट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड ऑन टू स्क्रीन, तो वो एक आइडिया आता है तुमको कि ये लिखने के बाद ऐसा होगा स्क्रीन पे, या फिर स्क्रीन पे ये हो रहा है, मतलब राइटर ने ऐसा लिखा है पहले। तो वो दोनों प्रोसेस से मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि क्योंकि प्लेस में तो मैं काम करता था और प्लेस लिखता था, लेकिन प्ले में प्लेस लिखना और स्क्रिप्ट लिखना जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि स्क्रीन राइटिंग में बहुत सारा चीजें विजुअली होता है, तो उसके लिए राइटिंग में क्या है, नॉट एवरीथिंग इज डायलॉग, देयर इज लॉट ऑफ एक्शन दैट हैपेंस, यू हैव टू नो, यू नो, व्हाट यू आर राइटिंग एंड हाउ इट विल ट्रांसलेट ऑन टू स्क्रीन। सो फॉर मी दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फॉर मी मतलब बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि कुछ कुछ लाइक मुझे याद है सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट फिल्म जो मैंने पढ़ी थी पल्प फिक्शन नाम की फिल्म है, सब बहुत चर्चित फिल्म है, बहुत लोगों ने उसके बारे में कुछ कुछ लिखा है, एंड वन ऑफ द सपोज वन ऑफ द माइलस्टोन्स ऑफ सिनेमा। तो मैंने सिर्फ सुना था ये फिल्म के बारे में, कभी देखी नहीं थी, तो मैंने सुना स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आई, क्योंकि बहुत ही अलग टाइप की स्क्रिप्ट थी, और उसका जब वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जब मैंने फिल्म देखी तब आई वॉज ब्लोन अवे कि ये स्क्रिप्ट से ये टाइप की फिल्म बना सकता है कोई आदमी, लाइक फैंटास्टिक। तो वो जैसे मेमेंटो, बहुत सारी फिल्में जो माइलस्टोन्स है वो मैंने पढ़ी, फिर देखी फिर पढ़ी, ये प्रोसेस बहुत 2-3 साल ये प्रोसेस चालू था हमारा, आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट, बहुत इसका फायदा हुआ।
तो ये मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि स्क्रिप्ट्स पढ़ो जब तक, क्योंकि स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर समझ में आएगा तुमको, उसको कैसे पेपर पे लगकर लिखना है वो समझ में आएगा, वो पेपर पे कैसे लिखने के बाद स्क्रीन पे कैसे दिखता है वो समझ में आएगा. तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग टू रीड, कीप रीडिंग स्क्रिप्ट्स. द अदर थिंग, एक और एक चीज है कि आप जब लिख रहे हो स्क्रिप्ट्स तो क्या होता है, जब आप लिखते हो तब आप खुद ही पढ़ते हो तो आपको बहुत पसंद आती है क्योंकि आपने लिखी होती है, पर किसी और को पसंद आए गारंटी नहीं है. तो एक चीज है कि फीडबैक लेना बहुत जरूरी. आई थिंक फीडबैक इज वन ऑफ द प्रोसेसेस, वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, कि वो अलग नहीं है स्क्रिप्ट राइटिंग से, इट्स पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग. तुम स्क्रिप्ट लिखो, किसी को पढ़ाओ, फिर फीडबैक पे फिर काम करो. ये जरूरी नहीं है कि तुम वो जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात को मानोगे, पर एटलीस्ट उसको वो स्क्रिप्ट पढ़ के क्या लग रहा है, तुम जो कहना चाह रहे हो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तुम जिस इमोशन को सामने वाले, द इमोशन दैट यू वांट द ऑडियंस टू फील, उसको फील हो रहा है कि नहीं, वो तो समझ में आएगा तुमको. सो आई फील फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अलग अलग टाइप के लोगों से फीडबैक लो, क्या उनको लग रहा है, कहाँ तक स्क्रिप्ट पहुंच रही है, एंड दैट इज द वे टू कीप इम्प्रूविंग. कि लिखो, फीडबैक लो, फिर लिखो. ऐसे नहीं कि एक बार लिख दिया तो मतलब हो गया, यही फाइनल है, ये एकदम बढ़िया है. ये बहुत रेयरली होता है कि एक पहले ड्राफ्ट में एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट थी. तो आई फील यू टू कीप राइटिंग, कीप टेकिंग फीडबैक, कीप राइटिंग. दैट्स बीन माई प्रोसेस, और आई वुड स्ट्रांगली एडवोकेट दैट. So now I would like Harsh, if you have any questions, to please ask. Sure, sir. Sir, मेरा एक question है. आपने जैसा कि बोला कि script पढ़नी चाहिए और देख पढ़नी भी चाहिए और movie के साथ compare करनी चाहिए कि कैसे screen पे देखेगा. कई बार लगता है कि plane जा रहा है लेकिन on screen अच्छा हो सकता है. तो मेरा सवाल है कि जब हम script screen play लिख रहे होते हैं तो हमें उसमें कितनी डिटेलिंग डालनी होती है एज राइटर, कि मतलब विजुअली इमेजिन करके कितनी डिटेलिंग्स डालनी चाहिए. दिस तो इज, ये देखो, ये हर एक का अपना अपना, इसमें कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है. तो कितनी डालनी चाहिए और कितनी नहीं डालनी चाहिए ये टोटली राइटर के ऊपर है. आई वुड से कि तुम्हें स्क्रिप्ट पढ़ के ये अंदाजा आना चाहिए कि ये फिल्म कैसी बनेगी. सामने जो भी स्क्रिप्ट पढ़ेगा उसको अंदाजा आना चाहिए कि फिल्म कैसी बनेगी. फिर बाकी तुम्हारा जजमेंट कॉल है. कभी कभी क्या होता है, कुछ राइटर्स बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं लेकिन वो तुम्हारे नैरेटिव को ब्रेक करता है तो वो मजा नहीं आता स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते. कभी कभी क्या होता है कि कुछ राइटर्स है जो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते और फिर वो ऐसा लगता है कि फिर आइडिया नहीं आता कि क्या चल रहा है, कौन से वर्ल्ड में प्लेस किया है, वो एटमोसफेयर का फीलिंग नहीं आता. तो इट इज अ फाइन बैलेंस. वो दोनों चीज, मतलब एक्शन भी चाहिए, डायलॉग्स भी चाहिए, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ना नैरेटिव ब्रेक हो वो एक्शन से या वो डिस्क्रिप्शन से. ये और ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत वर्बोज लग रही है, बार बहुत ही डायलॉग बाजी हो रही है, वो भी फीलिंग नहीं आना चाहिए. तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस जो करते करते ही समझ में आता है. जो पर उसमें कुछ गलत या सही नहीं है, वो हर एक का ये है बेसिक. इसलिए मैं एम्फसाइज करता हूँ फीडबैक पे. वो सामने वाले को एक बार पढ़ा था, वो सामने वाला अगर पढ़ के उसको समझ में आई फिल्म, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम क्या किस टाइप की फिल्म बनाना चाह रहे हो, अगर वो इट्स गेटिंग थ्रू टू द पर्सन हु इज रीडिंग इट, बस उतना ही वही है इंपॉर्टेंट चीज, कि सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए वो. एंड दैट इज व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यू हैव टू, मुझे ये मैं मानता हूँ कि सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड को ही मत दिखाओ, या तुम्हारे एक ही फ्रेंड को मत दिखाओ, या जो तुम्हारे टाइप का जिसका थिंकिंग है उसी को मत दिखाओ. अलग अलग लोगों से अलग अलग फीडबैक लो, और वो फीडबैक तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने जो लिखा है वो उसका क्या, वो कहां तक पहुंच रहा है, वो कैसे पहुंच रहा है, लोग उसको कैसे ले रहे हैं. दैट आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस सर, श्योर. एक सवाल और है मेरा कि स्क्रिप्ट जब हम लिखते हैं तो आपका, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था आपने किसी वर्कशॉप की बात की थी, आई थिंक किसी स्क्रीन राइटर्स लैब की का कुछ मेंशन किया था. तो उसके बारे में जरा बताइए कि जो भी स्क्रीन राइटिंग में आगे मतलब एस्पायरिंग स्क्रीन राइटर्स हैं वो उनके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस तरीके की. तो स्क्रीन राइटर्स, ये तो एनएफडीसी का एक स्क्रीन राइटर्स लैब है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का. उनका एक बहुत बढ़िया सा लैब है, इट्स अ वेरी वेल नोन लैब, जो साल में एक बार होता है. उनकी वेबसाइट देखते रहो, वो अपडेट्स आते हैं. आई थिंक फरवरी के आसपास उसका कुछ आता है, और जनरली जुलाई जून जुलाई अगस्त टाइप वो लैब होता है. तो ऐसे और एक कोई तो है, आई थिंक संडांस लैब्स का भी कुछ लैब है इंडिया में. बेसिकली स्क्रीन राइटर्स लैब तुम अगर गूगल करोगे
तो ये 2-4 लैब्स तो आएंगे इंडिया में, देयर नॉट टू मेनी इन इंडिया, वर्ल्ड में काफी सारे हैं। इंडिया में आई थिंक एनएफडीसी श्रीनगर लैब सबसे बेहतरीन है इंडिया का मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मेंटर 3-6 महीने का प्रोसेस है, आप इंडिविजुअल तुमको मेंटरशिप मिलती है, और तुम्हारे जो स्क्रिप्ट है तुमको ऑलरेडी स्क्रिप्ट रेडी होनी पड़ती है उसके लिए, वो स्क्रिप्ट को बेहतर बेहतर करने के तरीके, और उस पर बहुत एनर्जी, बहुत सारा अलग अलग टाइप का फीडबैक मिलता है, एक्सपर्ट से फीडबैक मिलता है। तो आई वुड से एनएफडीसी श्रीनगर लैब इज द बेस्ट, और भी है सनडांस वगैरह, तो आप अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके सर, स्क्रीन स्क्रीन पे जब हम लिख रहे होते हैं तो उस समय पे एक चीज और मुझे पूछनी थी कि सॉरी आई एम अनेबल टू फिंक दैट क्वेश्चन, सो या सो वी मे मूव फॉरवर्ड, आई विल जस्ट आस्क द क्वेश्चन इन अ व्हाइल। ओके सॉरी। ओके सो सर मेरा एक क्वेश्चन, जैसे आप स्क्रीन राइटिंग के बारे में बता रहे थे कि सबका अपना अपना व्यू होता है, बट कुछ बेसिक थिंग्स होती होंगी जो नेसेसरी है स्क्रीन प्ले राइटिंग में, वो क्या होती है जो बहुत ही बेसिक्स हैं और जरूरी हैं? ऐसे मतलब टेक्निकली अगर आप जाओ तो देयर इज अ कन्वेंशनल 3-act स्ट्रक्चर होता है जो बिगिनिंग मिडिल एंड वगैरह, तो बहुत सारी बुक्स है, सिड फील्ड है, बहुत सारी स्क्रीन राइटिंग में बुक्स है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें टेक्निकली आपको मतलब इतना टाइम के बाद एक एक्साइटिंग इंसाइटिंग इंसिडेंट आना चाहिए, और इतने टाइम पे ये होना चाहिए, और ऐसा उसका प्रोटैगनिस्ट का आर्क होना चाहिए, और ऐसा ये सब, तो वो सारी टेक्निकल चीजें है जो आप अगर स्क्रीन राइटिंग की बुक्स पढ़ोगी तो आपको समझ में आएगी। पर आई वुड से कि अगर अगर आप सिड फील्ड या जो भी स्क्रीन राइटिंग की बुक पढ़ते हो तो उसको टेम्पलेट बन के नहीं नहीं माना चाहिए, जब उसको एक गाइडलाइन है, वो टेम्पलेट नहीं है। मतलब मैं खुद ज्यादा इसको ये नहीं करता, इट हैज टू, मतलब ये आप समझ लो क्या है, पर उसको हर बार मानना चाहिए, उसी के हिसाब से हर चीज होती है, ऐसे नहीं। क्योंकि आप अगर वर्ल्ड सिनेमा देखो तो बहुत अलग अलग किस्म का वर्ल्ड सिनेमा है, जो 3-act स्ट्रक्चर, क्लासिकल 3-act स्ट्रक्चर है, मिड बिगिनिंग मिडल ऑफ एंड, उसके साथ लोगों ने बहुत कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन किया है। कुछ कुछ ऐसी फिल्में हैं जो सिर्फ फ्लो होती है, उसमें आपको ना इंसाइटिंग है, इंसिडेंट है, ना कुछ है, पर अगर आप देखो तो वो इतनी बढ़िया फिल्में हैं। तो एक टिपिकल हॉलीवुड स्ट्रक्चर है एक्चुअली, मिडिल बिगिनिंग मिडल और एंड, विच इंडिया, इट्स अ स्ट्रक्चर दैट जनरली वर्क्स, सो इट इज क्वाइट पॉपुलर ये एक। और अगर टेक्निकल में जाऊँ तो बहुत सारी टाइप की फिल्में हैं, जैसे हीरोज जर्नी है, कमिंग ऑफ एज है, तो अलग अलग, मतलब अगर आप उसको सेग्रीगेट करना चाह जाओ तो बहुत सारे सेग्रीगेटेड बॉक्सेस में आप स्क्रिप्ट्स को लिख सकते हो। पर मैं मानता हूं कि आप वो समझ ले, पर उसके हिसाब से ही करना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके अंदर जो स्टोरी, आपको जो स्टोरी बोलनी है, वो स्टोरी के हिसाब से आपने उसके, वो स्टोरी पर डिपेंडेंट है कि वो स्क्रिप्ट किस टाइप की स्क्रिप्ट है, वो कैसी बनती है, आपको किस हिसाब से लिखनी है। पर अगर आप मेन स्ट्रीम बात करो, या हिंदी हो, या अमेरिकन मेन स्ट्रीम हो, या आई थिंक एनी वर्ल्ड सिनेमा मेन स्ट्रीम हो, तो उसमें मिडिल बेसिक बिगिनिंग जहां पे आप इंट्रोड्यूस करो कैरेक्टर्स को, फिर एक इंसाइडिंग इंसिडेंट होता है, फिर दैट कैरीज इट थ्रू दिस थिंग एंड देन इट रीचेस टू द क्लाइमैक्स, विच इज लाइक अ वेरी टिपिकल 3-act स्ट्रक्चर जो जनरली फॉलो होता है, एंड यू विल सी इट इन मोस्ट 80-85-90% ऑफ द फिल्म्स, एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं वो स्ट्रक्चर फॉलो करने की। तो अगर उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है वो कैसे स्ट्रक्चर होता है, क्या है, तो आप स्क्रीन राइटिंग की कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, वो इट विल मोस्टली बी ऑन दैट दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज़ इट्स वेरी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। स्क्रीन प्ले का टेक्निकली परफेक्ट होना जरूरी है या नहीं है फॉर अ गुड फिल्म? मतलब टेक्निकली, व्हाट डू यू मीन टेक्निकली परफेक्ट, फॉर अ फिल्म और फॉर अ स्क्रिप्ट, व्हाट आर यू सेइंग? फॉर अ स्क्रिप्ट टेक्निकली परफेक्ट स्क्रीन प्ले का होना जरूरी, मतलब आपके पास जो स्क्रीन प्ले राइटिंग है उसका टेक्निकली परफेक्ट होना कितना जरूरी है? नहीं, टेक्निकली परफेक्ट का क्या मतलब है आपका? जो बेसिक टेक्निक्स, अगर आप कहें कि स्क्रीन प्ले की ये टेक्निक्स होती हैं लिखने की, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है?
जो भी टेक्निक्स है स्क्रीन पे राइटिंग की ना, वो आपको इसलिए दी गई है कि आपके पास टूल्स हो, आपको कुछ जानकारी हो जिससे आपकी स्क्रिप्ट बेहतर हो। पर मेन थिंग है स्क्रिप्ट का बेहतर होना, मेन थिंग ये नहीं है कि वो टेक्निकली परफेक्ट होगी नहीं, वो आपकी नई टेक्निक ढूंढ के निकालो और उसको स्क्रिप्ट को अच्छा करो, इट डजंट मैटर फॉर मी, इट डजंट मैटर। मतलब आई एम श्योर देयर विल बी पीपल हु विल बी लाइक नहीं, वो थ्री एक्ट स्ट्रक्चर मतलब 27 पेज के बाद ये होना चाहिए और 30-50 पेज के बाद ये होना चाहिए। मैं खुद उस हिसाब से नहीं लिखता, जो सही है बराबर है मुझे नहीं पता, ये मेरा ये है। पर वो चीज की जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप अगर फिल्म काम कब आता है, जब आप अगर पहला ड्राफ्ट लिखो और आपको लग रहा है बहुत बढ़िया है और आपने 10 लोगों को पढ़ा और सब बोल रहे बहुत ही बेकार है, पर आपके आपके अंदर वो कन्विक्शन है कि नहीं ये स्टोरी मुझे बोलनी है और अच्छे से बोलनी है, तो जब आप वापस जाओगे वो ड्राफ्ट पे और जब उसको पढ़ोगे तब आप ये टेक्निक्स उस पर देख सकते हो कि ये टेक्निक्स उसमें है, वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो टेक्निक्स फॉर मी इज लाइक अ सेफ्टी नेट, इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग, कि ये काम नहीं कर रहा है तो फिर टेक्निक्स के बारे में सोचो, पहले ट्राई करो कि वो काम करे फ्री फ्लो में, कि आप जिस हिसाब से लिख रहे हो उस हिसाब से अगर फ्री फ्लो में, बिकॉज फ्री फ्लो में एक इमोशनल कनेक्ट होता है, एक आपके लिखने का लहजा होता है, तो वो अगर वैसे ही काम करे तो नथिंग लाइक इट। पर अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, आपने बहुत आप मन से बहुत मेहनत करके बहुत पैशनेटली कोई स्क्रिप्ट लिखी और 10 लोग बोल रहे हैं तो बहुत बेकार है, पर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं कहानी अच्छी है, या कोई बोल रहा है कहानी अच्छी है पर मजा नहीं आ रहा है, तो मजा क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? फिर आप देखो कि टेक्निक में क्या हो रहा है, कि आर यू स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन जस्ट एस्टेब्लिशिंग, मतलब 50 पेज तो कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट में निकल गया, कुछ शुरू नहीं हुई कहानी, या ऐसा हो गया कि कैरेक्टर्स का फीलिंग ही नहीं आ रहा है, डायरेक्टली नैरेटिव में घुस गए हो, तो वो बैलेंस कैसे होना चाहिए? तो इसके लिए टेक्निक्स है जो विच यू कैन फॉल बैक ऑन, कि ये कितना कैरेक्टर डेवलपमेंट में टाइम देना चाहिए, कब आग शुरू होगा, कैसा आग जाना चाहिए, हीरोज जर्नी है तो कैसा आग है, कमिंग ऑफ एज है तो कैसा आग है, रिवेंज ड्रामा है तो कैसा आग है, तो अलग अलग इसका कैसा वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो लगभग उस हिसाब से फिल्म जा रही है कि नहीं जा रही है। पर फॉर मी दिस ऑल रेट्रोस्पेक्टिव, अगर कहानी तुम लिखने के बाद स्क्रिप्ट लिखने के बाद अगर काम नहीं कर रही है तो देन यू फॉल बैक ऑन द टेक्निक्स, क्योंकि अगर टेक्निक्स पे आप शुरू करोगे टेक्निक में तो आप अटक के रह जाओगे, तो आपकी कहानी वो टेक्निक में ही अटक के रह जाएगी, दिस इज व्हाट आई थिंक। तो कहानी पहले बाहर निकालो और फिर अगर बहुत ही काम नहीं करती तो उसको टेक्निक के हिसाब से ढलो, कि वो कैसे उसको फ्लो को उसको कैसे चेंज करना है, कैसे ट्वीक करना है। आई फील दिस वे, आई फील फर्स्ट ड्राफ्ट हैज टू बी विदाउट टेक्निक, पहला जो ड्राफ्ट आप लिखो आपके अंदर जो भी है कहानी का, जो भी अंश है वो कहानी का, वो पूरा लिख दो पेपर पे और फिर देखो कि इसका क्या स्ट्रक्चर करना है, किस स्ट्रक्चर में काम करेगी, ये 1 घंटे की फिल्म बनेगी, 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनेगी या 10 एपिसोड का वेब सीरीज बनेगा, ये कहानी पे डिपेंड करता है आपकी। तो आप जब कहानी लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये कौन सा टोन होना चाहिए, या कॉमेडी बनेगी या नोआर बनेगी या कैसे बनेगी। तो आई फील फर्स्ट ड्राफ्ट में ये सब सोच के मैं नहीं लिखता हूँ, फर्स्ट ड्राफ्ट में मेरे अंदर जो है लिख देता हूँ, फिर सेकंड ड्राफ्ट में, थर्ड ड्राफ्ट में जब फीडबैक आता है तब उसको धीरे धीरे ट्वीक करते करते फिर तुम्हें भी क्लैरिटी आती है कि तुमको नहीं ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो फिर टेक्निक्स यूज कर करके उसको तुम एक प्रॉपर ड्राफ्ट में उसको कर सकते हो। सर जो बिल्कुल न्यू बिगिनर्स हैं राइट, ओके हर्ष यू कैन कंटिन्यू। नहीं नहीं प्लीज आस्क, आई विल आस्क लेटर। जो बिल्कुल न्यू राइटर्स हैं उनको अपनी स्क्रिप्ट समझने के लिए, मतलब स्टोरी, स्क्रिप्ट नहीं कहना चाहिए, अभी बिल्कुल बिगनिंग में स्टोरी लिख रहे हैं तो वो स्टोरी कंप्लीट है या उसमें और चेंजेस करने चाहिए, ये सब कैसे समझना चाहिए? ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव है, पर आप एक तो क्या है, आई फील तुम्हें वो स्टोरी में से, तुम्हें स्टोरी में क्या कहना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें अगर कुछ कहना नहीं भी है तो ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं कहना है मुझे, पर तुम्हें कुछ नहीं कहना है मे भी कुछ है जो तुम्हें कहना है, यू नो, तो वो तुम्हें 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 दिमाग में क्लियर चाहिए कि तुम्हें क्या, इससे ऑडियंस को क्या मिले। वो एक चीज हो ऐसे कंपलसरी नहीं, वो 10 चीज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, या सिर्फ ऐसे है कि, और वो फिल्म के दौरान या वो स्टोरी के दौरान ऑडियंस फुल्ली एंगेज्ड रहे। आई थिंक फॉर वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि तुम जो भी लिखो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, स्टोरी हो, जो भी हो,
वो एंगेजिंग तो होना चाहिए, सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड तो होना चाहिए। तो वो सबसे पहले कि वो जो तुम्हारी स्टोरी है अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही है लेकिन सामने वाले को नहीं लग रही है तो क्यों नहीं लग रही है, वो एक फीडबैक लो यार। इसलिए तुम्हें जो कहना है वो इम्पोर्टेंट है कि वो अगर तुम्हें जो कहना है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो अगर तुम्हें जो कहना है वो पहुंच रहा है तो खत्म हुई स्टोरी। फॉर मी दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुमको अगर तुम चार घंटे में कुछ करके सामने वाले को बोल रहे हो लेकिन तुम्हें जो कहना है वही नहीं पहुंच रहा है तो तुम्हारी स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हुई। मतलब तुमने या तो कहने का तरीका गलत है या तुमने उसको ठीक से क्राफ्ट नहीं किया है। तो आई फील द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि तुम्हें कहना क्या है इस स्टोरी में, और फिर तुम दो लाइन में बोलो या एक लाइन में बोलो या एक पैराग्राफ में बोलो या दस पेज में बोलो, वो ट्रांसमिट होना चाहिए, वो ट्रांसलेट होना चाहिए जब तुम वो स्टोरी बोलते हो। तो वन ऑफ द गुड आइडियाज इज जस्ट टू टेल अ स्टोरी सामने वाले को वर्बली एंड सी कि क्या लग रहा है सामने वाले को। जैसे तुम जोक बोलते हो, लाइक जोक इज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ थ्री एक्ट स्ट्रक्चर। तुम्हें कब पता चलता है कि जोक कंप्लीट हुआ, कि सामने वाला जब हंसेगा तब तुम्हें पता चलता है कि जोक कंप्लीट हुआ। विच इज एंड एवरी जोक हैज अ बिगिनिंग, दो लाइन का भी जोक हो पर इट हैज अ बिगिनिंग मिडल एंड एंड, इट इज अ वेरी क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रीन राइटिंग एनी जोक। तो तुम जब जोक लिखते हो तुम यू ट्राई राइटिंग अ जोक, फॉरगेट टेलिंग, यू ट्राई राइटिंग अ जोक, इट्स अ प्रॉपर थ्री एक्ट स्ट्रक्चर। तो वो और तुम्हें पता है जोक पे अगर हंसेगा तो मतलब तुम्हारा कंप्लीट हुआ ना, तो यू नो देन यू हैव क्रैक्ड इट। तो इट्स द सेम थिंग, तुम कुछ भी लिखो इट हैज टू बी जब सामने वाले तक पहुंचता है वो। एंड आई डोंट मीन कि मतलब एक ही कुछ तो बड़ा मैसेज पहुंच रहा है, आई एम नॉट सेइंग इन दैट वे, बट आई एम सेइंग कि तुमको सामने वाले को कुछ, लेट्स से यू वांट द पर्सन हु इज लिसनिंग टू इट और रीडिंग इट टू फील सैड और टू फील हैप्पी और टू फील जस्ट इमोशनल और टू फील और टू लाफ, तो वो तो होना चाहिए कम से कम। अगर तुमने कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखी है सामने वाला पढ़ के हंसना तो चाहिए सामने वाले ने। तो इसलिए फॉर मी फीडबैक इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू से इट, व्हाट यू वांट टू से, और वो सामने वाले को से फीडबैक लेके समझना चाहिए वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब तक नहीं हो रहा है यू कीप वर्किंग यू कीप चेंजिंग यू कीप वर्किंग। सर अभी कैरेक्टर की बात करी आपने कि कैरेक्टर पर काम करते, कोई लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं कोई लोग कम करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो तो बहुत सब्जेक्टिव है कैरेक्टर पर काम करना, तो सबके अलग अलग होता है, आप अपने कैरेक्टर पर कैसे काम करते हैं? मुझे तो अलग अलग स्क्रिप्ट में ना अलग अलग होता है। कुछ स्क्रिप्ट में क्या होता है कि पहले स्टोरी आती है दिमाग में, कुछ स्क्रिप्ट में पहले कैरेक्टर आता है, यार ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है तो ये कैरेक्टर क्या क्या कर सकता है। तो डिपेंड्स ऑन द स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, डिपेंड्स ऑन आइडिया किस हिसाब से आया। समटाइम्स यू जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ अ स्टोरी एंड देन यू फिगर आउट कि सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कौन होंगे ये स्टोरी बोलने को, एंड यू वर्क रिवर्स एंड यू फाइंड द कैरेक्टर। तो द वे आई वर्क इज अगेन, मेरा एक है कि फर्स्ट ड्राफ्ट जब होता है ना तो फर्स्ट ड्राफ्ट में मैं आई एम नॉट, जब मुझे आइडिया आता है कि मुझे कुछ लिखना है तो एक कम से कम एक महीना तो मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, आई जस्ट कीप अ डायरी नेक्स्ट टू मी और मैं नोट्स लिखती, जो भी दिमाग में आएगा आई जस्ट कीप एडिंग नोट्स एंड व्हेन आई फील कि सारे नोट्स लिख के हो गए एंड आई एम एट अ गुड स्टेज कि अभी मैं लिखना शुरू कर सकता हूँ, तो मैं फर्स्ट ड्राफ्ट लिखता हूँ। और फर्स्ट ड्राफ्ट इज फॉर मी, जो मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट होता है इट्स वेरी फ्री फ्लो, इधर से आवाज आ रहा है कुछ, इट्स वेरी फ्री फ्लो फर्स्ट ड्राफ्ट। तो फर्स्ट ड्राफ्ट में आई विल नॉट थिंक कि मैं डायलॉग्स लिखना है ये लिखना है, जो मुझे कभी कभी पॉइंट्स फॉर्मेट, कुछ सीन्स पॉइंट फॉर्मेट में होते हैं, कुछ सीन्स पैराग्राफ में होते हैं, कुछ सीन्स प्रॉपर डायलॉग विद एक्शन इट्स लाइक प्रॉपरली रिटन, पर एट द एंड ऑफ द कैरेक्टर्स भी कभी कुछ कैरेक्टर्स जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ डेवलप्ड है उसका डिटेल लिख दूंगा, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं है उसका ये कर दूंगा। तो फर्स्ट ड्राफ्ट विल बी एवरीथिंग रिटन इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर्मेट। मतलब वो अगर पढ़ोगे तो एक स्क्रिप्ट का फील आएगा पर लगेगा यार ये थोड़ी स्क्रिप्ट होती है क्योंकि बीच में नोट्स भी है बीच में पैराग्राफ्स भी है, पर जब वो रेडी हो जाएगा तो मैं उसको पढ़ूंगा देन आई विल आइसोलेट द कैरेक्टर्स कि कौन कौन कैरेक्टर्स है इसमें। और अगर एक कैरेक्टर मैं उठाता हूँ कि 25 साल का लड़का है लेट्स से, तो फिर और पहले ड्राफ्ट में मे बी मैं डिटेल में नहीं गया हूँ पूरा कि क्या क्या उस पॉसिबिलिटीज है, पर एक बार मैंने वो कैरेक्टर फाइनलाइज कर लिया कि ये कैरेक्टर है तो देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द पॉसिबिलिटीज कि इसके ये एज में इसके लाइफ में अभी क्या क्या हो रहा हो सकता है।
कि अगर उसकी पढ़ाई हुई है नहीं हुई है, ये कौन से सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आता है, ये कौन कहाँ पे बेस्ड है, ये कौन सी लैंग्वेज में बोलेगा. तो फॉर मी दैट ओपन्स अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. ये सारा मैं पेपर पे लिखूं या ना लिखूं, दैट लाइक आई सेड कि वो कितना स्क्रिप्ट में लिखना है और नहीं लिखना है डिपेंड्स ऑन, इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस. पर तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अगर पता हो एज अ राइटर तो तुम अलग अलग इंटरेस्टिंग सीन्स लिख पाओगे. द आइडिया फॉर मी इज कि मतलब वो कैरेक्टर को मेरे वर्ल्ड में नहीं लाना, यानी मेरी लाइफ में नहीं लाना, मुझे उसके वर्ल्ड में जाना है. तो मुझे फिगर आउट करना है कि वो कैरेक्टर की लाइफ में क्या क्या चल रहा होगा और उसमें मुझे क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है जो मैं मेरी स्क्रिप्ट मेरी कहानी में डाल सकता हूँ, यू नो. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देयर आर सम कैरेक्टर्स दैट यू डोंट नो अबाउट, लाइक इफ आई एम राइटिंग अबाउट समवन हु इज लाइक अ बैड एग्जांपल वुड बी लाइक इफ आई एम राइटिंग अबाउट अ 20 ईयर ओल्ड फ्रेंच गाय. मैं कभी फ्रांस गया नहीं तो मुझे पता नहीं है उधर क्या है. तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट रहेगा कि अरे मेरे लाइफ में जो था ना, मैं जब 25 साल का था उस हिसाब से लिखूं. बट आई डोंट नो, द आइडिया इज कि मुझे उसकी लाइफ, आई हैव टू नो मोर एंड मोर अबाउट दैट पर्सन्स लाइफ, दैट कैरेक्टर्स लाइफ, टू फाइंड इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड देन सी कि उसमें की क्या इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरी कहानी को आगे लेके जाएगी. तो उससे तो एक तो रिचनेस आता है इन टर्म्स ऑफ सीन्स, नहीं तो सेम टाइप के सीन्स होते हैं. अगर तुम्हें ज्यादा जितना तुम ज्यादा तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जानोगे उतना तुम्हारे सीन्स अलग अलग टाइप के रिच होते जाएंगे, उतना वो रियल लगेगा स्क्रीन पे. नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी डायलॉग्स तो तुम किसी के बारे में कुछ भी, तो अदरवाइज व्हाट हैपेंस इफ यू नॉट स्पेंड इनफ टाइम, तो सारे कैरेक्टर्स ना सेम ही साउंड करते, कैसे लग रहा है कि जिस राइटर ने लिखा है वही बोल रहा है हर एक कैरेक्टर में. तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो, अगर मैं 90 ईयर ओल्ड वुमन के बारे में लिख रहा हूं तो व्हाट इज शी गोइंग थ्रू, व्हाट लाइफ, मतलब 90 ईयर्स का लाइफ उसका हुआ है, उसने क्या क्या किया है, व्हाट स्टेज इज शी एज एट राइट नाउ, उसकी हेल्थ कैसा चल रहा है, उसकी फैमिली क्या है, उसके तो वो तो मुझे उसकी लाइफ में जाना है. तो उसकी लाइफ में जाके देन आई हैव टू रियलाइज कि अरे मे बी रोज सुबह उठ के उसको दवाई लेनी पड़ती रहेगी या क्या क्या होता है उसकी लाइफ में और मुझे उसमें का सबसे इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है, दैट इज द प्रोसेस. सर ऑन मतलब अगर हम फाइनल स्क्रिप्ट की बात करें कि हाँ एक फाइनल ड्राफ्ट हम रेडी कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं प्रॉपर, तो उसमें अगर एक कंस्ट्रेंट और आ जाए कि शॉर्ट फिल्म है कम समय है तो हम कैरेक्टर को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें, आई मीन कैरेक्टर के बैकग्राउंड को कितना एक्सप्लोर करना सही होता है जनरली, क्योंकि उसमें समय नहीं है हमारे पास उतना कि हमें एस्टैब्लिश करनी है चीजें. पर सही गलत तो कुछ नहीं है उसमें मेरे हिसाब से, पर मुझे मेरे हिसाब से शॉर्ट फिल्म मतलब कम टाइम है इज अ रॉन्ग आइडिया. आई थिंक शॉर्ट फिल्म मतलब वो कहानी उतने टाइम की है कि हर कहानी तुम 20 मिनट में 90 मिनट्स में, मतलब अगर तुम्हें महाभारत पे फिल्म बनानी है और तुम्हें प्रोड्यूसर आके बोलता है तुमको 2 घंटे बना दो तो तुम बोलोगे नहीं कहानी बहुत बड़ी है. हाँ तो दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन कि 2 घंटा इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्शन फॉर अ बिग स्टोरी. सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी. तुम्हारी कहानी अगर 20 मिनट की है तो इट्स नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, तुम 20 मिनट बना रहे हो तो करेक्ट है वो टाइम. तुम अगर कहानी तुम्हारी 20 मिनट की है और तुम उसका फीचर फिल्म बनाते हो तो वो मतलब खींच रहे हो तुम उसको. तो फॉर मी शॉर्ट फिल्म इज नॉट नॉट अ बाइंडिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम. इट इज कि वो स्टोरी तुम ऐसे चुनो जो 20 मिनट की कहानी. इट्स लाइक सेइंग कि तुम अगर जोक बोल रहे हो, तुम्हारा जोक का कितना टाइम है, 30 सेकंड में तुम जोक बोलते हो, किसी ने बोला नहीं नहीं तुम्हारे पास 90 मिनट से बोलो वो जोक, तुम नहीं 90 मिनट में वो जोक तो खींच जाएगा पूरा. इट्स लाइक दैट. या तुम्हें किसी ने पूछा कि अच्छा तुमने कल क्या किया दिन में मुझे बताओ, और तुम अगर वो 5 मिनट में बोलते हो तो वो बहुत कम टाइम हो गया. या तुम 2 दिन लगाते हो बोलने का, वो बहुत ज्यादा. तो आई फील एवरी स्टोरी दैट यू वांट टू टेल हैज अ करेक्ट टाइम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे स्टोरी का करेक्ट टाइम क्या है. वो ज्यादा खींचोगे तो खींच जाएगी, कम करोगे तो अनएक्सप्लोर्ड रह जाएगी. सो इट हैज टू बी द राइट. तो अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन दिस वन इंसिडेंट ऑन वन कैरेक्टर्स लाइफ, और अगर लेट से एक कैरेक्टर ने आधे घंटे में क्या किया, ऐसी अगर तुम्हारी स्टोरी है तो यू हैव इनफ टाइम टू स्पेंड ऑन द कैरेक्टर, बिकॉज तुमको उतना टाइम है कि वो तुम, बिकॉज इट्स बेसिकली टोटली बेस्ड ऑन द कैरेक्टर. तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट. या तुम्हारी फुल एक्शन पैक स्क्रिप्ट है
तो उसमें कैरेक्टर को तुम कितना टाइम दोगे, वो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी दैट यू वांट टू राइट. आई फील ड्यूरेशन शुड नॉट नेवर बी अ कंस्ट्रेंट, ड्यूरेशन शुड नॉट बी अ कंस्ट्रेंट. इट्स क्योंकि हमको बहुत देखने को मिलता है कि तुम काफी सारी स्टोरीज देखते हो और लगता है यार ये तो स्टोरी कुछ थी नहीं, ये तो मतलब फीचर फिल्म बना रही है, इसमें स्टोरी कुछ है ही नहीं. मतलब क्या हुआ है कि वो फीचर फिल्म की स्टोरी नहीं है उसमें, उसमें शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए थी पर वो फीचर फिल्म बना दी. फॉर दैट आई फील आई कीप कमिंग बैक टू फीडबैक. इसलिए फीडबैक बहुत जरूरी है कि तुम अगर कुछ लिखो और सामने वाला लगे यार ये तो बोर हो रहा है, मतलब मुझे 5 मिनट में समझ गया क्या हो रहा है, अभी आधा घंटा क्या है उसमें आगे, तो मतलब इसका मतलब है कि कहानी है नहीं 10-15 मिनट के ऊपर, तुम उसको लिखो मत फीचर फिल्म. पर अगर कुछ बार ऐसे होता है कि तुम 90 मिनट्स का ये लिख दो और लगता है यार पर ये तो समझे इसके बारे में ये इंटरेस्टेड था, ये तो कुछ तुमने बताया नहीं, इसमें ये कैरेक्टर का ये इंटरेस्टिंग लग रहा था उसका तुमने बताया नहीं, मतलब क्या होगा कि तुमको टाइम कम पड़ रहा है, मतलब इट हैज टू बी लॉन्ग. सो आई फील डोंट गेट स्टक इन द टाइम टाइम थिंग, जस्ट मेक श्योर इट्स ऑर्गेनिक टू द स्टोरी दैट यू आर टेलिंग. ओके सर एक सवाल और है कैरेक्टर को लेकर ही है कि जैसे कि आपने बताया कि इफ यू आर राइटिंग अ कैरेक्टर जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, एक फ्रेंच कैरेक्टर है या एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेंटली अनस्टेबल, लेकिन अपन सब सही है, अपन ने ऐसा कोई कैरेक्टर रियल लाइफ में ऐसे देखा नहीं है, तो हाउ डू यू राइट दैट कैरेक्टर, हाउ डू यू ड्रॉ द यू नो इंस्पिरेशन. आई फील रिसर्च, आई फील आई एम वेरी वेरी अगेंस्ट व्हाट आई कॉल ड्रॉइंग रूम राइटिंग, कि मतलब बैठो और सब एक जगह पे बैठ के सब लिख दो कि जैसे तुमको सब पता है. तो तुम अगर वैसा लिखोगे तो तुमको जो पता है वो अच्छे से आएगा उसमें, पर तुमको जो एक्चुअल में पता नहीं है उसका तुम कभी उसका रियलिटी लिख नहीं पाओगे. उसके लिए तुमको थोड़ा वन थिंग इज यू हैव टू लिव अ लाइफ इफ दैट्स पॉसिबल जहां पे तुमको ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हो, या अगर वो नहीं हो रहा है एंड देयर इज समथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू गेट इनटू योर स्क्रिप्ट, जिसका तुमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो रिसर्च फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट इज ऑनलाइन रिसर्च, यूट्यूब रिसर्च, व्हाटएवर, बट वन स्टेप फर्दर इज द ऑफलाइन, जाके मिलो लोगों को. अगर इफ यू हैव अ कैरेक्टर हु इज लाइक लेट्स से ऑटिस्टिक, जिसको ऑटिज्म है, तो देन यू मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, यू मीट पीपल हु हैव डेल्ट विद इट, यू मीट पेरेंट्स ऑफ किड्स हु हैव डेल्ट विद इट, यू नो. सो या तो यूट्यूब पे इंटरव्यूज देखो, सो इट्स लाइक अ मिक्स एंड मैच ऑफ रिसर्च. आई फील आई बिलीव अ लॉट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. आई एम श्योर कुछ लोग हैं जो घर पे बैठ के विदाउट एनी रिसर्च लिखते हैं एंड दे ऑल्सो राइट वेल, बट आई पर्सनली फील रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो बारीक बारीक चीजें हैं ना वो नहीं पता होती है, जो रियल रियल लोगों को जो डेली बेसिस पे उनको एक्सपीरियंस करना करते हैं वो. हमें कितना भी ऑनलाइन रिसर्च भी करोगे तो ऊपर की चीजें समझ में आएगी, जो Exactly. जो लिखते वक्त तुम शायद स्क्रिप्ट लिख भी दोगे पर वो जो ऑन स्क्रीन आएगा तो वो कैरेक्टर रियल नहीं लगेगा कभी भी, वो थोड़ा कैरिकेचरिस लगेगा क्योंकि तुमको पूरा पता नहीं है उसके बारे में, तुमने ऊपर से रिसर्च करके लिखा है. तो आई फील एट द स्टोरी स्टेज समटाइम्स इट्स यू कैन गेट अवे विद इट कि तुमने पूरा रिसर्च नहीं किया है, पर जब तुम स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हो तब जब तुम्हारी डिटेलिंग होती है तो डिटेलिंग में समझ तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें या तो तुम पकड़े जाओगे या तुम्हें लिखने में ही तकलीफ होगी, तुमको समझ भी नहीं आएगा कि क्या लिखूं मैं इस कैरेक्टर के बारे में जब तुमको ही पता नहीं है ज्यादा. तुमको जितना ज्यादा उसके बारे में पता हो, जितना तुमने एक्सपीरियंस किया हो, जैसे फॉर इंस्टेंस एक स्क्रिप्ट लिखी है मैंने जो स्क्रीन राइटर्स लैब में अभी थी लास्ट ईयर, विच वॉज अ मर्डर मिस्ट्री. तो इट वॉज अ मर्डर मिस्ट्री जिसमें पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर. अब पुलिस स्टेशन में जाके वहां पे एक्चुअली क्या चलता है तो हमने फिल्मों में देखा है, या फिर और हमारा सारा जो वर्ल्ड है जो हम क्रिएट करते हैं वो एक फिल्म से इंस्पायर्ड होकर दूसरे फिल्म में लिखते हैं, दूसरे फिल्म से इंस्पायर्ड होकर तीसरे फिल्म में लिखते हैं. तो द वेरी फ्यू ऑथेंटिक फिल्म मेकर्स और राइटर्स हु नो एग्जैक्टली क्या होता है, तो वो बारीक बारीक चीजें क्या होती है. तो आई ट्राई टू स्पेंड लाइक आई टू गो एंड सिट इन द पुलिस स्टेशन एंड जस्ट सिट देयर लाइक तो पहचान से ये वगैरह से जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस देयर, क्योंकि तुमको बाकी तो चीजें ऑनलाइन मिल जाएगी तुमको, पर वो दिन भर क्या करते हैं बैठ के पुलिस स्टेशन में ये तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा, कि उनका मतलब अगर लंच टाइम हो तो वो टिफिन लाते हैं या खाना ऑर्डर करते हैं या क्या करते हैं, लाइक लिटिल डिटेल्स कि अलग क्या क्या चलता है. जैसे एक बार मैं बैठा था तो बहुत उनकी डिबेट चलती थी यूनिफॉर्म के बारे में, यूनिफॉर्म के कलर के बारे में, कि तेरा कलर अलग है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है. तो ये मुझे पता चलेगा सिर्फ अगर मैं वहां बैठूंगा, ये मुझे नहीं पता चलेगा, ये कहीं पढ़ के नहीं पता चलेगा मुझे कि ये, बिकॉज पुलिस स्टेशन में हमारा क्या रहता है इधर बहुत ड्रामेटिक बना दो या इट्स वेरी मैटर ऑफ फैक्ट बात चल रही है
या फिर कोई कंप्लेंट करने आया, बट ऑल दिस लिटिल थिंग्स दैट हैपन देयर बिकॉज़ देयर आर आल्सो पीपल हु आर डूइंग अ जॉब. सो व्हेन देयर इज वर्क देयर इज लॉट ऑफ वर्क, व्हेन देयर इज नथिंग द टाइम्स जब वहां पे कोई नहीं आता तो इनका अपना बातचीत चालू रहता है, उनका अपना वर्ल्ड है विच इज वेरी फैसिनेटिंग. तो आई बिलीव इन रिसर्च, आई फील रिसर्च करना चाहिए जितना हो सके पॉसिबल. श्योर सर, आई थिंक इस पर्टिकुलर आंसर ने मेरे सारे क्वेश्चन आंसर कर दिया, मतलब मेरे और चार क्वेश्चन थे लेकिन वो सारे इसमें आ गए, तो आई रेस्ट माई केस है एंड आई होप कि बाकी लोग के पास जो क्वेश्चन है वो पूछे. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. अगर हो तो, नहीं हो तो जरूरत नहीं पूछनी. जी जी श्योर. आई वुड लाइक टू आस्क अनुज इफ ही हैज एनी क्वेश्चन. नमस्ते सर. हाय अनुज. मेरा पहला प्रश्न है कि जैसे लॉकडाउन जब से हुआ है ये कोविड का, तो ओटीटी बहुत ज्यादा उभर के आए हैं और ओटीटी के कारण वेब सीरीज, नंबर ऑफ वेब सीरीज भी काफी बढ़ गई है. अब हम देखते हैं कि वेब सीरीज में जो है ना, कुछ वेब सीरीज ऐसी होती है जिसमें 5 एपिसोड होंगे और 5 अलग अलग चीज रहेंगे, मतलब आप एक देख लीजिए तो दूसरा देखने का ऐसा वो नहीं है कि आप देखिए ही, 5 में अलग कहानी होगी, अलग चीजें बताएंगे. कुछ होते हैं जिसमें 5 में एक ही कहानी कंटिन्यू होती है और वो बीच में आप ब्रेक नहीं कर सकते आप उनको. और कुछ ऐसी भी होती है जिसमें एक एपिसोड में एक कहानी पूरी होगी लेकिन अगली कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए आज का दिन एक एपिसोड में दिखाया और कल का दिन दूसरे एपिसोड में दिखाएंगे. तो अगर हम तीसरी वेब सीरीज, जो मैंने तीसरा केस बताया कि एक केस बता के एंड कर दिया, अब अगर दूसरा नहीं भी देखें तो कुछ नहीं, लेकिन अगली कहानी दूसरे से शुरू, अगर इस तरह की वेब सीरीज लिखनी है तो इसके लिए क्या बेसिक टिप्स होंगी? ये तो मतलब जनरली क्या होता है कि एक तो एंथोलॉजी होती है कि थीम सेम होती है कि तुम 7-8 एपिसोड का बना दो बट थीम सब में सेम है, कहानी अलग अलग है. तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस टाइप का बनाना है. अगर तुम्हारे पास कहानी हो, कहानियां होनी चाहिए उतनी लंबी, जो एक कहानी वाली वेब सीरीज होती है उसमें एक लंबी कहानी चलती है जिसमें धीरे 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 तुम उस कहानी को डेवलप करते हो. पर ये जो तुम बोल रहे हो कि एक एपिसोड इज वन फुल स्टोरी, This is like making a feature film. This is like making अलग 7-8 feature films. अगर 8 है तो 8 कहानियां तुम्हारे पास होनी चाहिए. पर जनरली क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें कनेक्शन होना चाहिए. अगर एक्चुअल ना हो तो थीमेटिक लेवल पे तो कनेक्शन होता है कुछ, मतलब either there'll be all horror stories और या फिर सेम लोकेशन पे रहेगी या फिर पॉलिटिक्स के थीम पे रहेगी, मतलब थीमेटिकली कुछ तो कनेक्शन होता है उसका. तो देन वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड अ थीम या टू यू फाइंड दिस थिंग. जैसे जैसे बॉर्जन करके एक वेब सीरीज है, डेनिश वेब सीरीज है, विच इज समथिंग सिमिलर टू हाउस ऑफ कार्ड्स. अगर हाउस ऑफ कार्ड्स देखिए जिसमें पूरा पॉलिटिक्स अमेरिकन पॉलिटिक्स पे है, जैसे तो ये जो है वो डेनिश पॉलिटिक्स पे है, पर उसमें हर एक एपिसोड खत्म हो जाता है. तुमको अगला एपिसोड, मतलब कुछ कहानियां अधूरी, वो कैरेक्टर की जर्नी चालू रहती है पर उसका जो कहानी का नैरेटिव है वो एक एपिसोड में खत्म हो जाता है. बट इट्स ऑल ऑन द सेम डेनिश पॉलिटिक्स एंड द डेनिश प्राइम मिनिस्टर. तो इट डिपेंड्स कि तुमको कौन सी टाइप की स्टोरी बोलनी है, तुम्हारे पास क्या. आई फील टिप्स कुछ अलग नहीं है, इट्स जस्ट लाइक 7 कहानियां तुम बोल रहे हो या 8 कहानियां तुम बोल रहे हो, एक लंबी कहानी की जगह पे तुम छोटी छोटी कहानियां बोल रहे हो जिसमें कुछ थीमेटिक कनेक्शन है. मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर आपके पास एक डायरेक्टर का विजन है, आप एक खुद डायरेक्टर है और आपके पास एक डायरेक्टर का विजन है, तो स्क्रीन प्ले लिखना कितना जरूरी है अगर आपके पास पहले से प्लॉट मौजूद है और आप एक विजनरी डायरेक्टर है तो, और डायलॉग ज्यादा नहीं है आपकी मूवी में, तो उसका स्क्रीन प्ले लिखना कितना जरूरी है? ये अगेन सब्जेक्टिव है, पर जैसे मुझे पता है कुछ डायरेक्टर्स जो बहुत कम लिखते हैं, पर मैं बोलूंगा लिखना चाहिए, मेरे हिसाब से लिखना चाहिए. डायलॉग होने की जरूरत नहीं है, आपको फ्लो तो समझ में आए कहानी का क्या है. आप विजनरी डायरेक्टर हो लेकिन आपके पास वो स्किल है क्या, आपने कितना डायरेक्ट किया है, आपको वो पता है क्या एग्जैक्टली कैसे उसका फ्लो होता है. अगर आपने 10 फिल्में बनाई हैं
और आपको वो पूरा स्किल आप में है, आपको पता है कि ये सीन मैंने लिखा नहीं है पर मुझे पता है कैसे ये फ्लो होगी फिल्म, आपको एडिटिंग सेंस है कि बाद में इस सीन के बाद ये लगेगा, इस सीन के बाद ये लगेगा या ये भी हो सकता है, अगर उस तरह की महारत हो तो मे भी ना लिखो। पर मैं बोलता हूं कि लिखने में दो तीन फायदे हैं, एक तो क्या है आपको खुद को भी क्लैरिटी आएगी लिख के कि क्या है, आप डायलॉग्स भी नहीं हो लेकिन आपको आपने एक्शन भी लिख दिया या सिर्फ सीन के हेडिंग भी लिख दिया तो आपको एक फ्लो समझ में आएगा फिल्म का, तो आपको खुद को क्लियर हो जाएगा कि यार हाँ कुछ कुछ है। दूसरा एक चीज है कि आपके आपका जो कास्ट एंड क्रू है उसको भी उनको भी फायदा होगा, आप अगर लिखोगे तो उनको भी एक आइडिया आएगा, नहीं तो आप अगर आपके सब मन में ही रहेगा, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज नॉट अ वन पर्सन जॉब, फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव थिंग, आपकी क्रू है जो आपकी डीओपी है, साउंड डिजाइनर है, जो भी है उनको भी तो एक आइडिया चाहिए, आप आकर आपका विजन उनके साथ अच्छे से शेयर करोगे तो वो अच्छे से कोलैबोरेट कर पाएंगे, वो ऐड कर पाएंगे उसमें, नहीं तो आप सब मन में ही रख के जाओगे तो वो फिर वो तो सेट पे उनको आप जो बोलोगे वही करेंगे, बस उनको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है सेट पे। तो मेरे हिसाब से डिपेंड्स अगेन आई एम सेइंग कि कुछ कुछ लोग रहेंगे जो बहुत ही महारथी है हर एक चीज में, जिनको जरूरत नहीं है स्क्रिप्ट की, बट आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो मेरे हिसाब से इट्स लाइक अ सेफ्टी नेट कि यार सेट पे जाके एक दिन आपको, क्योंकि आप जब सब मन में है और आपने कुछ लिखा नहीं है तो व्हाट दैट मींस, इसका मतलब ये है कि अगर 20 दिन का शूट है तो हर दिन आपको 100% रहना पड़ेगा, क्योंकि सब आपके मन में है, पूरा यूनिट आपकी तरफ देख रहा है, और आपका अगर एक बुरा दिन गया कि आज थोड़ा किसी से कुछ नहीं तो अगर सर दर्द कर रहा है और बहुत क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो उस दिन का जो शूट करोगे आप बाद में आपको समझ में नहीं आएगा क्या शूट किया। तो ऐसे टाइम पे इट्स नाइस टू हैव सेफ्टी नेट जो आपको पता है लिख के कि आज के दिन में ये शूट करना है, तो इवन इफ इट्स अ बैड डे फॉर यू तुमको बेसिक तो तुम्हारा कवर हो जाएगा वो दिन में। आई फील या सेफ, बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है अगर आप लिखते हो, एक क्लैरिटी आती है, एक इट्स लाइक अ मैप कि अगर मैप के बिना आप जाने हो तो आप पहुंच जाओगे किधर, तो पर अगर मैप रहेगा आप देखो भी मत उसकी तरफ, पर अगर रहेगा तो आप कहीं अटक गए तो देख सकते हो कहां अटके हो। तो फॉर मी स्क्रिप्ट इवन इफ यू आर ग्रेट एट इट आई स्टिल फील इट्स अ गुड मैप, इट्स लाइक अ थिंग टू हैव विद यू, अब देखो मत चाहिए तो उसको बाद में, पर एक बार होना चाहिए कि अगर कहीं अटक गए तो एक सामने कुछ है आपके पास। अगला बड़ा एक कॉमन सा प्रश्न है कि आपकी नजरिए से एज अ स्क्रीन प्ले राइटर ऐसी 5 भारतीय या विदेशी सब मिलाकर ऐसी 5 सिनेमा जो एज अ स्क्रीन प्ले राइटर देखी जानी चाहिए। 5 तो बहुत ही मतलब आई वुड से कि फिल्में छोड़ दो तुम, पर अलग अलग टाइप का सिनेमा देखो, जैसे जापानीज नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन सिनेमा, जो कोरियन सिनेमा है, जापानीज सिनेमा है, उनका एक स्टाइल है अलग, तो वो देखो। ईरानियन सिनेमा है, अफगानिस्तानी सिनेमा है, उनका बहुत इंटरेस्टिंग उनके फिल्म रहते हैं, क्योंकि उनके कंट्री में इतना ज्यादा सेंसरशिप है कि वो बहुत कम चीजें दिखा सकते हैं, पर वो सेंसरशिप के अंदर काम करके उन्होंने इतनी बढ़िया और इतनी अमेजिंग फिल्में बनाई हैं, वो भी देखने लायक है। तो उनका अलग ही फॉर्म है बोलने, कहानी का बोलने का, जैसे साउथ ईस्ट एशियन सिनेमा का अलग ही फॉर्म है, इंडिया में अलग ही, अब इंडिया में अपना जो सिनेमा है वो प्लेज और नौटंकी यहाँ से डेवलप हुआ है, जो यूरोपियन सिनेमा है वो पेंटिंग से डेवलप हुआ है, तो उनका विजुअल लैंग्वेज अलग है, हमारा विजुअल लैंग्वेज अलग है। तो अगर तुम अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग लोगों का सिनेमा देखोगे तो तुमको तुम्हारा नजरिया खुलेगा और कि ये भी फिल्म हो सकती है, ये टाइप की भी फिल्म हो सकती है, ये भी फिल्म हो सकती है। कुछ लोगों को बड़े बड़े सेट्स बनाना पसंद है, कुछ लोगों को हैंड हेल्ड कैमरा चाहिए जहां पे सब रियल लोकेशन पर रियल शूट हो रहा है, कुछ लोगों को जैसे जर्मनी में मूवमेंट था एक कि जो रियल है वही दिखाना है, इट्स अ फिक्शन फिल्म पर तुम अगर लोकेशन पे जाओगे तो तुम लोकेशन में कुछ चेंज नहीं करना है, जैसा लोकेशन है वैसा यूज करना है। तो उन्होंने एक ऐसे रूल्स बनाए थे कि ये रूल के हिसाब से बनाओ, खुद के लिए रूल बनाए थे हम ऐसे ही फिल्म बनाएंगे कि ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक है। तो आई एम सेइंग कि वन हैज टू आई फील वॉच ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा, तुम इंडियन सिनेमा देखो, नाच गाने वाला सिनेमा भी देखो, तुम हर टाइप का सिनेमा देखो, फिर उसमें तुमको हर एक चीज में कुछ कुछ सीखने को मिलेगा तुमको। आई थिंक टॉप 5 फिल्में तो मतलब आई वुड से बुरी फिल्में भी देखो, सिर्फ अच्छी फिल्में नहीं बुरी भी फिल्में देखो, तुम्हें उसमें भी समझ में आना चाहिए फिल्म बुरी क्यों है। जब फिल्म तुम देखते हो तुम्हें मजा नहीं आता तो तुम्हें खुद को पता चलना चाहिए कि ये क्यों मजा नहीं आ रहा है, और वो तुम्हें सीखना चाहिए कि ये मुझे मजा नहीं आ रहा है तो मुझे भी फिर ध्यान रखना है कि जब मैं लिख रही हूँ
मेरे स्क्रिप्ट में ये ना हो, मेरी कहानी में ये ना हो। कभी कभी कहानी पसंद आती है लेकिन फिल्म पसंद नहीं आती, तो यार ये इसने ऐसी क्यों कहानी बनाई। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए तुम किसने इस हिसाब से कहानी बनाई, तुम्हें समझना चाहिए कि इसने कहानी के साथ क्या गलत किया है जो तुम्हें पसंद नहीं आया। या किसी कोई कहानी अगर सिंपल सी कहानी है लेकिन तुम्हें बहुत बढ़िया लग रही, तो तुम्हें वो भी पसंद पता चलना चाहिए कि यार ये कहानी को इसने कैसे बोला है। तो ये तुम्हें पता चलेगा जब तुम अलग अलग टाइप के फिल्म देखोगे। तो आई फील दैट इज द मोस्ट, अभी तो इंटरनेट इतना खुला है, तुमको तो पूरा वर्ल्ड का सिनेमा तुमको अवेलेबल है, तो तुम्हें देखना चाहिए अलग अलग डायलॉग वाले सिनेमा विदाउट कुछ कुछ सिनेमा कुछ फिल्म है जिसमें सिर्फ दो कैरेक्टर जो पूरे फिल्म लाइक बिफोर सनराइज बिफोर सनसेट, तो दो ही कैरेक्टर्स है और पूरे फिल्म में सिर्फ बात कर रहे हो, जस्ट टॉकिंग। और तुम अगर किसी को ऐसे बोलोगे तो बोलेगे नहीं नहीं सिनेमा जो विजुअल मीडियम डायलॉग्स कम होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो टेम्पलेट फॉर सिनेमा। तुम ये भी सिनेमा फिल्म बना सकते हो जिसमें एक भी डायलॉग ना हो, या तुम ये भी फिल्म बना सकते हो जिसमें सिर्फ डायलॉग्स हो। उसमें कुछ ये नहीं कि ऐसे ही बनाना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो देख रहा है जो पढ़ रहा है वो एंगेज रहना चाहिए और वो इंटरेस्टेड होना चाहिए पूरे। तो तुम अगर दो घंटे की कहानी बना रहे हो तो वो दो घंटे वो सामने वाला एंगेज रहना चाहिए वो दो घंटे। आई थिंक फॉर मी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम एक कैरेक्टर एक जगह एक कैमरा ऑन करके छोड़ दो बस और कुछ क्रिएट करो, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो वन स्टॉपिंग यू, यू कैन डू दैट्स द ब्यूटी ऑफ एनी आर्ट वर्क। उसमें कुछ तुम डोंट फॉल कि अरे इसका यही स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, नहीं है। वो सामने वाले ने अगर उसको अप्रिशिएट किया तो डजंट मैटर तुमने कौन से फॉर्मेट में कैसे बनाया है उसको। सो आई वुड से वॉच डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स जो तुमने आज तक देखी नहीं। अलग अलग कल्चर का पता चलता है उससे, यूरोपियन कल्चर कैसा है, साउथ ईस्ट एशियन कल्चर कैसा है। लेकिन समस्या तो वही है ना, जैसे मान लीजिए मुझे कोरियन मूवी देखना है तो क्या देखूं? ऐसा तो नहीं कि एक मूवी बनी होगी या दस बनी होगी, कई सौ मूवीज है। अगर ये देखो तुम जब कुछ देखने जाओगे तो तुम आज तुम्हारे हाथ में इंटरनेट है ना, तो तुम उसको तुम देख सकते हो कोरियन में कि कौन सी फिल्मों ज्यादा चर्चित हुई है, कौन सी इंटरेस्टिंग फिल्म्स है। जैसे अगर साउथ ईस्ट एशिया का सिनेमा देखो तो अभी तो मतलब अभी लास्ट जो ऑस्कर जीता था लास्ट दैट वाज साउथ ईस्ट एशियन फिल्म, यू नो। सो लाइक मेमोरीज ऑफ मर्डर मेनी, लाइक आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल्स ऑफ फिल्म्स। अगर तुम जाओ तो जैसे बोंग जून हू, इफ आई एम बैड एट प्रोनाउंसिएशन, पर वो एक डायरेक्टर है जिसकी बहुत सारी फिल्में हैं बहुत इंटरेस्टिंग। मेमोरीज ऑफ मर्डर इज वन ऑफ माई फेवरेट जो उसने बनाई थी, एक मदर करके जो बहुत ही बढ़िया फिल्म है। तो आई फील इफ यू गो एंड डू सम इंटरनेट रिसर्च ना कि अरे साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी इंटरेस्टिंग फिल्म बनी है, कौन सी सबसे बढ़िया फिल्म बनी है, तो तुम्हें कम से कम शुरुआत तो हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि उधर अटके मत बैठो, सी व्हाट आर द बेस्ट डायरेक्टर्स राइट नाउ और व्हाट आर द बेस्ट फिल्म्स, एंड यू विल गेट सम नेम्स, यू विल गेट ऑल दीज कंटेम्पररी फिल्म्स, वो देखो फिर शुरू करो वो देखना कि वो डायरेक्टर ने और क्या बनाया है, अच्छा और किसी डायरेक्टर ने और क्या बनाया है, यू नो। सो यू कैन स्टार्ट लाइक दैट। इफ यू गो टू रशियन सिनेमा यू सी तारकोव्स्की, यू स्टार्ट विद तारकोव्स्की, सी व्हाट अदर्स मेड। और इफ यू इंटरनेट रिसर्च पे आता है कि अरे स्टॉकर बता तारकोव्स्की इज द बेस्ट फिल्म, वो देखो और देखो और क्या बनाया है उसने। या तुम अगर इंडियन सिनेमा के जैसे अगर पुराना इफ यू सचित रे पे या ऋत्विक घटक पे आ जाओ तुम, आई एम सेइंग देयर इज अ वे टू फाइंड आउट कि तुम शुरुआत तो तुम्हारे बेस्ट से शुरुआत करो, विच विल बी इजीली यू कैन फाइंड आउट ऑनलाइन कि बेस्ट। अगर तुम देखो बेस्ट साउथ ईस्ट एशियन डायरेक्टर या बेस्ट साउथ ईस्ट एशियन फिल्म, तो तुमको दो चार आ जाएगी ना सामने, वहां से तुम शुरू करो और फिर देखो और क्या चल रहा है। वेब सीरीज भी चल रही है वहां पे, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बनती है, अलग अलग टाइप का फिल्म बनता है। ओके सर, थैंक यू सर। वैसे तो बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं बट ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आपने इतने सारे रोल्स किए हैं फिल्म इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटिंग, आपका आपको सबसे ज्यादा किस रोल में मजा आता है, मतलब आपको क्या करने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे सभी पसंद आता है, I love writing, सबका अलग अलग मजा है, that is the thing, सबका अलग। जब तुम लिख रहे हो तो यू आर ऑन योर ओन, तो जिसका अलग मजा है कि तुम घर पे बैठ के तुम्हारा खुद का स्केड्यूल के हिसाब से तुम सेट करोगी और एंड यू गेट इनटू द कैरेक्टर्स माइंड एंड गेट इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड ऑल दैट, उसका अलग मजा है। वो करने के बाद जब शूट पे जाते हो तो शूट एक अलग दुनिया है, क्योंकि शूट की जो एनर्जी होती है बहुत मुझे पसंद है, क्योंकि वहां पे हर एक टाइप के एक ऐसा कोई, फॉर मी देयर इज नो अदर जॉब इन द वर्ल्ड यहाँ पे कि एक टाइम पे इतने अलग अलग किस्म के लोग एक साथ काम करते हैं।
that only happens on a shoot. If you go on a shoot, you'll have like art actors, directors, lightmen. There are different kinds of technicians. Matlab, jo tumhara visited one shoot. Yeah, so there are like, so there'll be like all kinds of people who are trying to work together to achieve the same thing, which will not happen no matter what other field you go to. Itne alag alag kisam ke log ek jagah pe tumko milenge nahi. To uski ek bahut amazing energy hoti hai, which I absolutely love. और फिर थर्ड इज एडिटिंग विच इज सिमिलर टू राइटिंग विच इज अ लेटर जिसमें बट एडिटिंग का ये मजा है कि तुम ट्राई कर सकते हो अलग अलग चीज कि ये ऐसा ट्राई करके क्या होगा ये ट्राई एक फ्रेम कट करके क्या होगा दो फ्रेम ऐड करके क्या होगा ये सीन पहले बोलोगे तो क्या होगा ये सीन बाद में बोलोगे तो क्या होगा सो आई एब्सोल्युटली आई लव राइटिंग आई लव बीइंग ऑन सेट आई लव एडिटिंग आई थिंक ऑल दीस थ्री आर लाइक आई जस्ट एब्सोल्युटली एंजॉय इन अ वेरी डिफरेंट वे विच इज द फन पार्ट ऑफ इट So this was my last question. Now, if Harsh have any question or I think Harsh is done. Yeah, I'm done. I just want to know just one last thing and then we'll end wrap up the session. That अगर मुझे या किसी व्यक्ति को भी जो स्क्रीन राइटिंग अपने लेवल पर कर रहा है और अभी उसको इंडस्ट्री का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उसको वो एक्सपीरियंस लेना है मूवी डायरेक्ट मूवी नहीं बनानी है बट Just wanted to experience ki how that vibe is. You said ki set pe jaate hain to ye hota hai. To kaise agar mujhe kisi writer ko assist karna hai, to kaise main usko approach karun? Ye to iska sawal to iska jawab to bahut hi straightforward nahi hai. But I'm saying ek to agar tumne kuch likha hai khud, to register kar lo pehle. Screen Writers Association hai, which you can register online. You can register your work online. To make sure tum jo bhi likhte ho, usko register kar lo. Aur fir Find out your who you want to work with, your favorite writer. See, it's not a straightforward process. वो किसी के लिए भी straightforward नहीं ना मेरे लिए है ना थी ना किसी के लिए है. It's one that you have to find your own solutions to. But I would say first thing is अगर तुम decide करोगे तुमको no matter who you are wanting to work with वो आपको पहले काम मांगेगा कि आपने क्या काम किया है वो दिखाने को बोलेगा. तो पहले तो आप थोड़ा सा काम कर लो कुछ लिख लो. अगर आपको writer को assist करना है तो at least मुझे आपका काम पढ़ के समझ में आना चाहिए कि तुम किस हिसाब से राइटिंग करते हो तुम्हारा स्टाइल क्या है तुम्हारा कितना तुम अभी रॉ हो या फिनिश्ड हो कितना तुमने उस पर काम किया है किस लेवल पे मैं तुमसे अगर मैं मुझे तुम्हें हायर करना है तो मुझे समझ में आएगा कि किस लेवल पे तुम मुझे सपोर्ट करोगे मतलब तुम सिर्फ रिसर्च में हेल्प कर सकते हो या तुम्हारा ड्रामेटिक सेंस बहुत अच्छा है तुम उसमें हेल्प कर सकते हो या तुम इतने अच्छे हो कि तुम एसोसिएट के जैसे या को राइटर के जैसे काम कर सकते हो तो दैट आइडिया आई विल ओनली गेट इफ आई रीड समथिंग दैट यू हैव रिटन सो आई वुड से फर्स्ट स्पेंड सम टाइम एंड राइट अ फ्यू थिंग्स अलग अलग टाइप का कुछ इट नीड नॉट बी कि ऐसे नहीं कि मतलब सब 200 पेज की या 100 पेज की स्क्रिप्ट ही हो शॉर्ट फिल्म लिखो शॉर्ट स्टोरी लिखो कुछ तो एक आइडिया तो होना चाहिए कि सामने वाला सोचता कैसे है लिखता कैसे है क्राफ्ट सेंस कैसा है ड्रामेटिक डेवलपमेंट दिखता है कि नहीं उसके राइटिंग में तो वो लिखो रजिस्टर करो फिर सोचो किसके साथ तुम्हें किसको असिस्ट करना है किसके साथ तुम्हें काम करना है और फिर ट्राई फाइंडिंग देम ऑन सोशल मीडिया ऑन दिस थिंग और इफ यू कम टू बॉम्बे यू ट्राई बट देयर इज नो वन वे आई थिंक देयर इज सोशल मीडिया में अप्रोच करो या फिर प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच करो बट इट्स ईजियर नाउडेज इट्स ईजियर यू एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया सम पीपल आर रिस्पॉन्सिव सम पीपल If, I'm saying it's there's no point just contacting them saying hi मुझे तुम्हारे साथ काम करना है because I'm sure कि जो अच्छे writers हैं directors हैं जो नाम उनको हजारों ऐसे messages आते रहेंगे there has to be something कि मैंने कुछ किया है मुझे share करना है तो at least अगर सामने वाला interested है और सामने वाले के पास time है तो अगर फट से पढ़ ले एक पेज तुमने लिखा हुआ और कुछ पसंद आ जाए तो there's a better chance कि वो बोले अच्छा चलो कुछ और पढ़ाओ या कुछ चलो try करते हैं कुछ अगर तुमने हाय बोल दिया और फिर कुछ तुम्हारे पास दिखाने को ही नहीं है सामने वाले को तो फिर क्या पॉइंट है वो हाय बोलने का सो वुड से फर्स्ट गेट योरसेल्फ रेडी एंड देन स्टार्ट कांटेक्टिंग हु यू वांट टू कांटेक्ट एंड होप फॉर द बेस्ट श्योर सर थैंक यू सो मच मुझे अब मेरे पास जितने सवाल थे सारे आंसर्स मिले और मैं जरूर इस जितने भी मुझे आंसर्स मिले उन पर काम करूंगा जरूर एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बतकही में और आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया नहीं बहुत मजा आया थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑल ऑफ यू ओके थैंक यू सो मच आई थिंक वी आर रेडी ऑल द बेस्ट लिखते रहो कीप राइटिंग थैंक यू सर थैंक यू सो मच
ओके सो मच सर।